हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे। तो ये देखिए हम लोग कहाँ आ गए हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो ये मैं अपने मम्मी घर आ गई हूँ। तो ये मैं पूरा 3-4 महीने बाद आ रही हूँ। बीच में बेटी और संदीप और सृष्टि आई थी, पर मैं नहीं आई थी। मैं पूरे 4 महीने पर आ रही हूँ, 4-5 महीना पर। मैं गर्मी छुट्टी समय में ही आई थी। मम्मी लोग बीच में आई थी, घर में पूजा था तो तब हुआ था, पर घर में 4-5 महीने पर आ रही हूँ। तो मैं पापा से भी मिल रही थी, मम्मी से भी मिल रही हूँ। तो 3 दिन बच्चों लोग का छुट्टी था, तो मैंने सोचा चलो फिर हो आते हैं, क्योंकि फिर तो सबका एग्जाम सब स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मौका नहीं मिलेगा। 3 दिन इनकी ऑफिस की भी छुट्टी थी, सैटरडे संडे और मंडे, इसलिए हम लोग आ गए हैं। तो मंडे को हम लोग चले जाएंगे। और हम लोग जिस समय आए थे उस समय खाना का टाइम हो गया था। ये सैटरडे का वीडियो है, तो बच्चे लोग स्कूल से आए थे तभी हम लोग आए थे। तो उन लोग को स्कूल से लेने के बाद हम लोग तुरंत इधर आ गए। तो अभी खाना का टाइम हो रहा था, मम्मी ने सारा कुछ इंतजाम करके खाना बना के रखा था। बस हम लोग 10 मिनट बैठे, मम्मी नाश्ता वास्ता निकाल रही थी। हम लोग ने मना कर दिया कि नहीं अभी खाना का टाइम है, अभी खाना ही। तो मम्मी ने देख मम्मी खाना सबका निकाल रही है। तो ये देखिए क्या क्या बनाई है मम्मी। देखिए मम्मी अकेले रहती है, मम्मी पापा और मेरे बड़ी दीदी का बेटा रहता है साथ में, वो बच्चे से रहता है नानी के साथ। तो मम्मी ने चावल और तड़का और पनीर की सब्जी, चटनी, सलाद सब बनाया हुआ था। तो ये बच्चे लोग का निकल रहा है, तो यहाँ सब खाना खा रहे हैं। खाना उना करने के बाद फिर हम लोग बाजार निकल गए थे। तो वहाँ पर मोराबादी में शनिचर का बाजार लगता है, तो मम्मी को सब्जी उब्जी कुछ लेना था, तो मैं भी साथ में आ गई। बस मैं और मम्मी आई है, तो सबको खाना पीना होने के बाद तब हम लोग निकले थे 3 बजे के लगभग। तो मम्मी देखे यहाँ यहीं से चूड़ूड़ी कुछ लेती है, ज़्यादातर यहीं से लेती है बराबर मम्मी। तो यहाँ इनका चूड़ी बहुत ही अच्छा रहता है, मजबूत रहता है। तो मम्मी बोलती है मैं ज़्यादातर यहीं से लेती हूँ। तो अभी भी बाला मम्मी को पसंद आ गया था, तो चूड़ी मम्मी बहुत खरीदती है और सब चूड़ी मेरे पास पहुँच जाता है। हर बार जाऊँगी, चाहे कोई रिसु आता है मतलब दीदी का लड़का, तो बराबर मम्मी उससे भेजते रहती है। तो मैं आप लोग को बाज़ार यहाँ का दिखा रही थी। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटा का रास्ता है, तो हम लोग को 1 घंटा से भी कम लगता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था मम्मी पास आके, इतना दिन पर थोड़ा मन फ्रेश हो रहा था। तो बच्चे सब घर पर ही थे, हम लोग के घर में रहो, हम लोग जा रहे हैं। तो मैं पूरा बाजार का आप लोग को भी दिखा रही थी। यहाँ देखिए पूरा मसाला सब मिलता है यहाँ पर, सब तरह का। पूरा बहुत बड़ा बाजार लगता है यहाँ पर मोराबादी में, शनिचर को और बुधवार वेनेसडे के दिन लगता है। ये शाम का है जहाँ पापा पेपर पढ़ रहे हैं, और यहाँ मम्मी टीवी देख रही थी। मम्मी शाम के 6 बजे माँ का फेवरेट सीरियल आता है, तो इस समय माँ जरूर अपना सब काम छोड़ के अपना सीरियल देखती है। ऐसे भी यहाँ कोई अभी उस समय काम भी नहीं रहता है। और नाश्ते में सब यहाँ हम लोग सब आलू चॉप नाश्ता कर रहे हैं। तो आप सब भी आ जाइए, मैं भी अपने लेके बैठ जाती हूँ। तो अभी शाम में अभी चाय पानी चल रहा है, फिर केवल अभी रोटी बनाना था, क्योंकि सब आलू चॉप खा लिए थे तो उतना कोई खाने को तैयार नहीं हो रहे थे। सब बोल रहे थे कि अब यही खा लेंगे, यही खा लेंगे। तो बच्चे लोग तो नहीं खाएंगे, बस बड़े लोग के। तो सब्जी सब था, तो हम लोग ने कहा कि चलो रोटी मैं बना दूंगी। तो केवल रोटी अभी बनाना है शाम का, क्योंकि आलू चॉप सब ज़्यादा ही आ गया था, तो सब आलू चॉप से ही बोले कि आलू चॉप ही खा के रहेंगे, सब नहीं खा रहे थे। तो बड़े लोग एक एक दो दो को सब खाएंगे जिसको खाना होगा। तो थोड़ा सा अभी बस केवल रोटी बनाना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ, बस पापा खाएंगे, और हस्बैंड बोले कि मैं दो ही खाऊंगा, और मम्मी का चावल था तो बोली मैं चावल खा लूँगी, और बस मैं एक आध गो मैं खाऊंगी, बाकी बच्चे लोग नहीं खा रहे हैं, वो लोग सब आलू चॉप ही खा के रहेंगे। तो मम्मी को मैंने कहा कि मैं बना देती हूँ, ज़्यादा नहीं। मम्मी नहीं दे रही थी, बोलती नहीं वहाँ करती हो। तो हम लोग नहीं, फिर भी मैं बना दे रही हूँ, बनाने नहीं दे रही थी। मम्मी घर आने से यही होता है कि थोड़ा आराम मिल जाता है, तो मम्मी नहीं करने देती है कोई काम जल्दी। और यहाँ पर आती है काम करने के लिए, बर्तन पोछा करने के लिए मेड भी आती है, तो इसलिए यहाँ उतना कुछ काम वैसा नहीं रहता है, बस खाना पीना रहता है।
सृष्टि आप लोग को हाय बोल रही है। तो एक दो दिन तो आप लोग को यहीं का ब्लॉग मेरा मिलेगा, तो आप लोग भी इंजॉय करिए। तो ये देखिए, रात में बच्चे लोग यहाँ मस्ती कर रहे थे, मैं सोने चली गई थी, तो सब बच्चे सब ज़बरदस्ती मुझे उठा के लाए। लोग यहाँ अपना मस्ती कर रहे हैं, ये भी सोने की तैयारी में थे, पर बच्चे लोग गाना लगा के यहाँ मस्ती हो रहा था। ये देखिए लाइट, सब डीजे का लाइट लगा के, देखिए बेटी यहाँ मेरी डांस कर रही है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, गुड नाइट।